हमीरपुर डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। इस अवसर पर छात्रों ने मार्च पास्ट की सलामी दी। खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल के अलावा कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल मैदान में अनुशासनात्मक ढंग से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला शिक्षा क्षेत्र में भी आगे है और खेलों में भी आगे लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा का तो स्टूडेंट लाइफ में एक प्रमुख स्थान है, लेकिन जो आजकल का जो माहौल है, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स का भी अपना विशेष स्थान है। जहाँ शिक्षा में स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा स्कोप है। और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि नेशनल गवर्नमेंट भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। और जैसे एथलेटिक्स में बच्चा आगे निकलता है तो नेम फेम के साथ साथ, नेम और फेम के साथ साथ उसकी जॉब भी सिक्योर हो जाती है। जहाँ तक आप जानते हैं क्रिकेट का, जहाँ हिंदुस्तान का इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो स्पोर्ट्स का मैं कहता हूँ आज के समय में, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि गर्ल्स का ज़्यादा रुझान है, तो ये सब कुछ मिला के जो है साथ साथ शिक्षा और साथ साथ स्पोर्ट्स कंपटीशन का जमाना है। तो आभारी हूँ कि आप हमारी छोटी मोटी जितनी भी उपलब्धियाँ होती हैं उनको उजागर करते हैं, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ये जो एथलेटिक मीट है, पूरे वर्ष भर का जो एक प्रोग्राम होता है, ये मैं बच्चों को भी ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि जो आज के युग में सिर्फ मोबाइल पर ही बैठे रहते हैं तो शारीरिक तौर पर हम अक्षम हो रहे हैं, तो इस तरह की अगर इवेंट्स में हम भाग लें तो शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और इसी के साथ हमारी मानसिक ऊर्जा का भी उत्थान होता है। तो शारीरिक तौर पर भी हम मेहनत करें, बच्चों के लिए संदेश है आपके माध्यम से।